हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग फाइंडर। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 में आए हुए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो, या फिर यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी चैनल पर आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलेंगी, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको ज्वाइन करें। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था लास्ट सेशन का, जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी कोडिंग रिकॉर्डिंग की, उसमें मैंने ऑप्शन जो है ये वाला टिक किया था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन होगा जो कि गलती से टिक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर टी ए जी और टी जी ए इसका ही अंतर था सिर्फ। तो इस चक्कर में मैंने ये पूरा देखा नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन टिक हो गया। तो इसमें मैं एक बार और आपको रिकैप करा देता हूँ। सराउंड को लिखा है आर आर यू एस डी एन यू ओ, आपको बताना है मिटिगेट का। अब देखो, पहला लास्ट ये यहाँ पर, ठीक है, सेम यहाँ पर करेंगे हम, पहला लास्ट ये यहाँ पर, ठीक है, आई एम, ये तो शुरू का तो सब सेम है। अब हम मैंने यहाँ पर बताया था आपको ये, तो मैंने गलती से यहाँ पर जी को गलत लिख दिया था, जी को पहले लिख दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। ई यहाँ पर ये होगा, फिर टी होगा, फिर ए होगा, तो टी ए जी ये ऑप्शन होगा, ई टी ए जी ये ऑप्शन होगा। तो अब नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने करेक्शन करा दिया, जो कि गलत ऑप्शन मैंने टिक कर दिया था। उसके बाद अब हम नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सीरीज में सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली टाइप के होते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। सेकंड टाइप बनते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन लेटर या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज पर। फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फोर्थ टाइप के जो कि होते हैं बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, ये होते हैं आपके। पहला होता है नंबर सीरीज, जैसे 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया होगा। रॉन्ग नंबर सीरीज, जैसे आपको 2, 3 यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पर बताना होगा कि कौन सी टर्म, कौन सा नंबर जो है रॉन्ग लिखा हुआ है लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। लेटर ए बी सी डी होगा, ए बी सी डी, फिर यहाँ पर ई एफ जी, इस तरीके से आपको दिए होंगे। कंटिन्यूस सीरीज में होता है ए, फिर गैप होगा यहाँ पर, फिर बी सी डी, फिर गैप होगा, फिर बी सी डी, फिर इस तरीके से जो होता है कि हम 4-4 का वो बनाते हैं पेयर, उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि PDF उसी में मिलती है, जिससे आप पहले उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, इसीलिए मैं पहले ही PDF डाल देता हूं, तो उसको आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है और आपने अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करें, ट्राई करने के बाद अगर नहीं आता है तो वीडियो को देखें और लॉजिक अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। स्टार्ट करते हैं अपना। टाइप वन, बेस्ड ऑन किस पे, एडिशन सबट्रैक्शन, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर सीरीज में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड डिवीजन, सबट्रैक्शन एंड डिवीजन, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और प्राइम नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, चार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जो है सीधे क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक है, कि किस किस टाइप के ये वाले सारे लॉजिक लगते हैं या नहीं लगते हैं। इसमें मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, डबल डिफरेंस याद रखना आप, डबल डिफरेंस में ये सब हो सकता है कि डबल डिफरेंस में कुछ ऐड कर रहे हैं, डबल डिफरेंस में कुछ सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, क्या क्वेश्चन दिया होगा आपको वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 4 या फिर मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही बता देता हूँ, ठीक है। क्या फ़ायदा है आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में भी नहीं आए, उससे बढ़िया है कि आप क्वेश्चन के थ्रू समझें, ठीक है। डबल डिफरेंस याद रखना है आपको कि डबल डिफरेंस के क्वेश्चंस में लॉजिक जरूर लगेंगे, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर अपना 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको 24, 35, 54, 55, 51, 73 और 102, देन क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब जब भी अगर आपको सीरीज दिखे और नंबर छोटे छोटे गैप में दिखे तो समझ लेना या तो कुछ ऐड होगा, ऐड, या फिर कुछ स्क्वायर में ऐड होगा, डबल डिफरेंस होगा, इस तरीके का आपके लॉजिक लगेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, देखो ज़्यादा गैप नहीं है इसमें, गैप जो है वो बहुत कम है ना। तो गैप इसमें कितना है, इसमें 11 का गैप है, इसमें कितना है आपका 16 का गैप, इसमें कितना है 22 का गैप, इसमें कितना है आपका, इसमें है आपका 29 का गैप। अब हमें इसमें बताना है कितने का है, लेकिन देखो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, कि 11 पे 16, लेकिन एक चीज़ हमें दिख रही है डबल डिफरेंस से कि यहाँ पर 5 का गैप, यहाँ पर 6 का गैप, यहाँ पर 7 का गैप, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का गैप होगा, 8 का गैप। इसका मतलब 29 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 37 आएगा, और अगर 102 में 37 ऐड करेंगे तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है यही तो ऐड कर रहे हैं, देखो 73 में 29 ऐड किए तो 102 आया, 102 में 37 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 139, क्या आएगा आपका 139। इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, ठीक है, 102 और 37 को ऐड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको 4, 11 आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 11, 31, 65, 193 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 से 11, ठीक है, गैप कम है, बट यहाँ पर गैप बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पर डबल लगभग 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर भी लगभग 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ लगभग 3 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ लगभग 3 टाइम्स। देखो यहाँ पर जो हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, गैप। आपको ये देखना है कि देखो अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो लगभग 7 का है, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है तो वो बैठेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स में कुछ ऐड हो रहा है। देखो 4, 2 जा 8 प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें 2 जा करते हैं हम 11, 2 जा 22, लेकिन वो ऐड नहीं हो रहा कि 9, यहाँ पर या तो 4 होना चाहिए था या 5, इस तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम 3 करके देखें, इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो देखो इन्होंने क्या किया है, इंटू 2 प्लस 3। अब देख रहे हो आप पहला अल्टरनेट लग रहा है ये वाला लॉजिक, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ क्या लगेगा, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 2 प्लस 3, तो 193 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2, 3 या 6, 2, 9 या 18, 2, 1 या 2 और 3 प्लस 3, 3, 89 इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। 4, 2 जा 8 प्लस 3, 11, 3 जा 33 माइनस 2, 31, 2 जा 62 प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले गए, हमने देख लिया कि हाँ यहाँ पर 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर भी लगभग 3 टाइम्स माइनस कुछ हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं।
27, 30, 37, 50, क्वेश्चन मार्क 98, आपको इसकी वैल्यू बतानी है इन क्वेश्चन मार्क की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई गैप है हमारा 27 से, कितना गैप है यहाँ पर, है 3 का गैप, ठीक है, यहाँ पर है 7 का, यहाँ पर है 13 का, यहाँ पर कितना होगा हमें ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन अब हमें एक चीज़ पता चल रही है, क्या कि देखो ये क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। एक बार करेक्ट कर लेना अगर थोड़ा अगर गलत हो, क्योंकि थोड़ी हिंदी वीक है, ठीक है। 3, 7, 13, अब देखो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। देखो इसके बाद क्या आता है, 5 एक प्राइम नंबर आता है, इसके बाद आता है 11 एक प्राइम नंबर आता है, तो इसका मतलब अल्टरनेट प्राइम नंबर सीरीज है, अल्टरनेट प्राइम नंबर, ठीक है, अल्टरनेट प्राइम नंबर। तो 13 के बाद क्या आएगा, 17, लेकिन वो हमें लेना नहीं है, ठीक है। हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है 23 लेना है, नहीं क्या लेना है, 19। इसके बाद कौन सा होता है, 19, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस प्लस हो रहा है ये, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो 69 हमारा आंसर होगा, क्या होगा, 69 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि प्राइम नंबर अल्टरनेट प्राइम नंबर लग रहे हैं, तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी कि अल्टरनेट प्राइम नंबर का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको 10, आपको दिया है 10, 22, 35, 40, 72, 40 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है, तो एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करें, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब हम अपना लॉजिक देखते हैं, 10 से 22, यहाँ पर देखो गैप ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो हमारा शायद लॉजिक ज़रूर लगेगा। देखो 10 से 12, एडिंग वाला लॉजिक लगेगा हमारा, नंबर ऐड करके, अब डबल डिफरेंस भी हो सकता है या स्क्वायर वाला भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर होगा 12, यहाँ पर कितना होगा 13, यहाँ पर कितना होगा 5, 32 और माइनस का 32, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ पर कुछ दिख रहा है, 1, ठीक है, प्लस का, यहाँ से आपको माइनस का 8, अब आपको समझ आ रहा होगा माइनस का 8 देखने के बाद यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 27, यहाँ पर माइनस का 64, ठीक है। अब देखो ये हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, माइनस 2 का, ये प्लस 3 का क्यूब, ये माइनस 4 का क्यूब, यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 5 का क्यूब, प्लस 5 का क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर ऐड होगा 125, अब माइनस का 132 और प्लस का 125, तो कितना आएगा यहाँ पर, 93 हो जाएगा, ठीक है। अब 93 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 93, क्योंकि यहाँ पर अंतर है इसका, अब यहाँ पर 93, यहाँ पर ही अंतर होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका अंतर होगा 93, ठीक है, जिसको हम ऐड करेंगे। अब 93 और 40 कितना होता है, 133, कितना होगा, 133 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिए सीरीज 5, 11, 25, 55, 117, 243, उसके बाद दिया है आपको क्वेश्चन मार्क, तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। देखो अभी एक मैंने क्वेश्चन कराया था 4 2 8 वाला, प्लस ऐसे कुछ हो रहा था, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने अभी आपको, 4 2 8, सेम इसी तरीके का लॉजिक इसमें लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, इसी तरीके का लॉजिक। अब देखो क्या लॉजिक है इसमें भी, देखो 5 2 10, +1, 11 2 22, +3,
25 टू जा 50 प्लस 5 टू जा 110 प्लस 7 इंटू टू जा प्लस कितना होगा 11। ठीक है, यहाँ पर भी इंटू टू जा करेंगे प्लस। अब देखो ये क्या हो रहा है, वन, यहाँ पर वन क्या है हमारा, 1 3 5 7 11 और यहाँ पर क्या आएगा 13। कितना आएगा 13, तो 243 इंटू टू प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका 486 प्लस 13। 486 प्लस 13 कितना होता है 6039। तो 486 प्लस 13 होगा ना 4, एक सेकेंड यहाँ पर ऐड गलत कर दिया हमने, देखो 2 3 6 2 4 8 2 2 4। ठीक है ना, अब हम इसमें ऐड कितना करेंगे, यहाँ पर गलती कर दी हमने, क्या गलती करी हमने, आपने शायद पकड़ ली होगी। देखो इसका 2 टाइम करा हमने, देखो 117 का अगर हम 2 टाइम करते हैं 2 4, ठीक है 1 3 234, 234 में कितना ऐड करें 9 ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना होगा 9। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम करेंगे प्लस प्लस कितना करेंगे 11। तो देखो आपने ये देखा होगा, अब ये ऑड बन गई, ये क्या बन गई ऑड, अभी तक तो हमें प्राइम दिख रही थी बट हमने क्या करा था यहाँ पर ऐड गलत कर दिए थे, तो ठीक है ना। अब यहाँ पर 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 11, तो 4 8 4 9 7 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, अब हमें यही है कि वहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ गलती की थी वहाँ पर भी यही गलती होगी, तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है वहाँ पर। ठीक है, नहीं आपको पहले ही चेक कर लेना है, जो गलती आप यहाँ करते वो गलती अब वहाँ नहीं होगी आपसे। ठीक है, तो 5 2 10 प्लस 1 सेम 2 प्लस 3 2 5 2 7। ठीक है, ऐसे ही सीरीज आगे कंटिन्यू है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 17। अब देखो यहाँ पर बहुत कम, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम हो रहा है, यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना होगा, देखो प्लस 3 किया है इन्होंने, यहाँ पर 4 प्लस 5 किया है, देखो 3 4 5, बस साइन का चेंज है, यहाँ पर प्लस फिर गुणा फिर प्लस फिर गुणा, कितने से होगा 6 से होगा, 8 6 48 और 5 6 30 510 इसका आंसर होगा। ठीक है, 510 ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है 6 6 7 23 41 125, ये आपको दिया है, आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, एक बार अटेम्प्ट करिए उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपने अटेम्प्ट किया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैं लॉजिक ऐसा बता चुका हूँ मैं, देखो 6 से 7 1, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो या तो गुणा करके कुछ ऐड होगा। अब हम देखते हैं, अगर हम अगर 6 2 करें 12, देखो 2 12 -5। ठीक है, अब अगर हम इसमें 3 करते हैं प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें 3 करते हैं प्लस 2, 7 3 21 प्लस 2। अब यहाँ पर अगर हम 2 करके -5 करते हैं, देखो ये सीरीज हमारी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, 23 23 × 2 46, 46 में से 5 हम लेस करेंगे तो 41 आएगा। ठीक है, 41 × 2 यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ कितना होगा 3 होगा, माइनस प्लस 2 गुणा 3 प्लस 2 सेम यहाँ लगेगा, गुणा 2 माइनस 5 250 में से माइनस 5 होंगे तो कितने होगा 245 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको ये आसान क्वेश्चन है, कितना गैप है 5। ठीक है, यहाँ पर कितना गैप है 7 का, यहाँ कितने का है 10। ठीक है, यहाँ कितने का है 10 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है 13
फोर और 114। तो देखो यहाँ पर टू का, यहाँ पर थ्री का और यहाँ पर फोर का, आगे कितने का होगा, फाइव का। 14 प्लस 5 19, अगर 19 ऐड करेंगे हम इसमें तो कितना आएगा, 72। इसका आंसर कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, ये प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री और प्लस टू। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, क्या दिया है आपको, 6 6 8 24 140 क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर 6 1 जा 6 या फिर 6 में 1 ऐड कर दी, लेकिन यहाँ पर क्या लॉजिक है वो हमें पता नहीं है। यहाँ पर क्या है, 6 प्लस 2 किया है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, इंटू 3 किया है। तो देखो अभी एक सीरीज बताई थी, गुणा 1 हो रहा था, वहाँ पर गुणा कुछ और होता, कुछ और हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ रह गया, यहाँ पर एक टर्म रह गई आपकी, कितनी रह गई, 28 28 और 114 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कितना होगा, प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा 5, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस 6। तो देखो 1 प्लस गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 6, तो 146 इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का कितना होगा, 146। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको, 3 20 38 52। अब देखो इसमें या तो गुणा करके कुछ ऐड होगा, देखो क्योंकि आपको पहला नंबर काफ़ी बड़ा दिया है, 3 28 32 75 82 114 क्वेश्चन मार्क, 114 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो बड़ा दिया है लेकिन उतना ही आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या लॉजिक लगेगा एक बार आप ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो डबल डिफरेंस कर लिया, एक होती है डबल सीरीज, डबल सीरीज भी होती है जिसमें दो सीरीज काम करती हैं, डबल, जिसमें एक सीरीज का लॉजिक होगा एक अलग सीरीज का लॉजिक होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका लॉजिक बैठेगा। ठीक है, वही यहाँ पर बैठेगा लॉजिक, क्या बैठेगा वो हम देखते हैं। तो देखो अच्छे से हम इसमें लॉजिक देखते हैं। देखो पहली सीरीज ये बन रही है, ठीक है, दूसरी सीरीज आपकी ये बन रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 35 प्लस, यहाँ पर कितना ऐड कर रहे हैं, 37, और यहाँ पर कितना ऐड कर रहे हैं, 39। 52 यहाँ पर 3 से 38, 38 से 75, ठीक है, और 75 से 114। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ कितना ऐड कर रहे हैं, देखो 32, फिर यहाँ पर कितना ऐड किया है इन्होंने, 52 से 82 पर 30। ठीक है, यहाँ पर कितना गैप है, 30 का, उसके बाद कितना गैप है, 28 का, क्योंकि 32 30 फिर 28 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 82 में से अगर हम 20 ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 110, कितना आएगा, 110। तो देखो यहाँ पर क्या करा, 32, फिर यहाँ पर कितना ऐड किया, 30, फिर 82 में कितना ऐड करेंगे, 28, तो हमारा आंसर आएगा 110, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, अब देखो ये मैंने एक उसमें बताया था अभी आपको कि डिवाइड या फिर गुणा करके, तो वही सीरीज है ये। इसमें क्या किया है इन्होंने, 4 से डिवाइड किया है, इसमें 4 से डिवाइड किया है, इसमें 4 से डिवाइड किया है, इसमें 4 से डिवाइड किया है। देखो 4 से डिवाइड किया तो ये आया, ठीक है, इसको डिवाइड किया तो ये आया, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये आया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टर्म आएगी, कितनी आएगी, 16। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 4096 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10424 मिलेगा, अगर 10024 को हम 4 से डिवाइड करेंगे
तो क्या मिलेगा आपको, 256 मिलेगा। अगर आप 256 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 मिलेगा, अगर आप 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 16 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपको, 5 13 22 34 51 75 108 152 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करते हैं हम, आपको ये बताना है। पहले खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, 10 से 15 सेकंड का, एक बार आप चेक करके देखिए कि आपको कोई लॉजिक लगता है। मेरी उम्मीद से ये डिफेंस वाला क्वेश्चन होगा, लगभग आप भी चेक करके देख सकते हैं कि डिफेंस वाला है या कौन सा है। ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 5 से 13, 8 का डिफरेंस, फिर 7 to 9 का डिफरेंस, फिर आपका है 2 और 1 का डिफरेंस, फिर आपका है 17 का डिफरेंस, ठीक है, फिर आपका है 24 का डिफरेंस, फिर आपका है 44 का डिफरेंस। ठीक है, 44 का ही है आपका, 24 के बाद नहीं, आपका है 33 का डिफरेंस यहाँ पर। ठीक है, फिर दे रखा है आपको 44 का डिफरेंस, तो यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं, +8 +9 +12 +17 +24 +33 +44। ठीक है, आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस प्लस प्लस, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीधे डिफरेंस देखना है कि हाँ 8 का फिर 9, आपको ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा कि प्लस माइनस लगा रहे हैं। हाँ, बस आप माइनस में एक बार चेक कर सकते हैं कि लगा के, बाकी प्लस में तो आपको लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो, सिंगल डिफरेंस से कुछ पता नहीं चल रहा, अगर हम एक बार और डिफरेंस करके देखते हैं, 1 3 +1 +3 +5, अब 4 और 3 7 +7, आपको अभी तक तो प्राइम नंबर दिख रहा है, बट ऑड नंबर भी हो सकता है इसमें। ठीक है, 3 6 और 3 9, यस, क्या सीरीज है, ऑड नंबर सीरीज है ये। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइम नंबर होता तो 9 नहीं आता, सीधे 11 आता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 11, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, 13, कितना लिखेंगे हम, प्लस का 13 प्लस 13 यहाँ पर आएगा, तो 43 और 44 + 13 47 57, यहाँ लिखेंगे 57 57, हम इसमें ऐड करेंगे 152 में, 152 में अगर 57 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 9 0 1, 209 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 209 इसका आंसर होगा, 152 में 57 ऐड करेंगे तो 209 आएगा, 209 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिया है, या आप खुद से अटेम्प्ट करें ये वाला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप खुद से भी करें और ग्रुप में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये वाला भी मैं बता चुका हूँ लॉजिक, यहाँ पर देखो ×2, ठीक है, प्लस का 3 ×4 ×4 प्लस का 5 ×6, ये देखो दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, ×2 + 3 ×4 + 5 × 6। ठीक है, तो 200 × 6 1200, 1254 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, 1254 इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत आसान है, 11 का स्क्वायर 13 का, 15 का, 17 का, 19 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर का, दो दो नंबर का गैप है यहाँ पर। ठीक है, दो दो नंबर का गैप है। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये दो सीरीज दिख रही हैं आपको, पहली 18 से 36, फिर 18 से 54,
और एक दिख रही है 3 से 6, 3 से 9, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाया होगा, देखो प्लस 18 प्लस 18, तो यहाँ पर भी प्लस 18, तो 18 का पहाड़ा ही इन्होंने लिख दिया है। 18 कम 18, 18 उन 36, 18 3 चौका 72, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे प्लस 3 कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस 3 है, 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 2 या 6, 3 3 या 9, इसका अगला टर्म अगर पूछता आपसे तो 12 होता है इसका अगला टर्म, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा 72। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये भी इन्होंने पहाड़ा पढ़ दिया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 दूनी कितना होगा 208, कितना होगा 208, ठीक है। ये भी पहाड़ा पढ़ दिया इन्होंने 17 में भी, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 ये देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है। 11 13 19 49 109 239, क्वेश्चन मार्क गैप, क्योंकि गैप ही होगा आई थिंक, उम्मीद है, या फिर गुणा करके कुछ है। तो देखो यहाँ पर है 11 प्लस 2 13 6, फिर 40 40 30 आ जाएगा, देखते हैं गैप अगर होगा तो गैप होगा, एक बार चेक करते हैं, 6 फिर 30 फिर 0 6 60, देन 0 3 1 130। अब देखो यहाँ पर है 4 24 30, नहीं गैप वाला तो बिल्कुल नहीं है लॉजिक यहाँ पर, क्योंकि अगर गैप वाला लॉजिक होता तो अभी तक हमें दिख जाता। तो इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक क्या लगेगा, एक बार आप ट्राई करके देखें, ठीक है। बाकी तो मैं अभी बता ही दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लॉजिक होगा, आप सोच के बताइए, ठीक है, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। देखो अगर गैप वाला लॉजिक है तो इसमें आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए, क्या 125 में 5 ऐड करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ एकदम क्लिक करनी चाहिए माइंड में, मैंने बोल दिया कि नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो देखो 60 क्या होता है, 64 माइनस 4, मतलब 4 का क्यूब माइनस 4 होता है। अब आपको एक दिमाग में आएगा, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, ये 2 का क्यूब माइनस 2 है, ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, तो आपको क्लिक किया, यस ऐसे क्लिक करना चाहिए, क्योंकि ये आपको दिख रहा है और बहुत ज़्यादा गैप है, कैसे हुआ। बट आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस 1, यहाँ पर है 2 का क्यूब माइनस 2, यहाँ पर है 3 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पर है 4 का क्यूब माइनस 4, यहाँ पर है 5 का क्यूब प्लस 5, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 6 का क्यूब माइनस 6, ठीक है। तो 6 का क्यूब माइनस 6 210, यहाँ पर ऐड होगा 9 4 4, 449 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा 449 इसका, ओ 449 ये वाला ए ऑप्शन होगा इसका आंसर, क्या होगा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है 449। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है आपको, 28 18 12 और 8, आसान क्वेश्चन दिख रहा है। देखो अंतर देखें तो 10 माइनस का माइनस का 6 माइनस का 4, तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो -4 -2, लेकिन यहाँ लॉजिक नहीं लग रहा, यहाँ पर नहीं लग रहा लॉजिक भाई, डिफरेंस वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पर। तो अब लॉजिक कौन सा है कि जिससे हम 18 ले आएँ, देखो 18 कैसे आएगा, अगर हम 28 को 2 से भाग दें प्लस 4 ऐड कर दें, ठीक है, तो 18 आ सकता है हमारा भाई, 14 प्लस 4, सेम है। अगर हम यहाँ देखें 18 को अगर 2 से डिवाइड करें प्लस 3 कर देते हैं तो कितना आएगा, 9 9 प्लस 3 12 होगा, 9 प्लस 3 12, सेम 12 प्लस 2 प्लस 2 कर दें 6 6 प्लस 2 8 होगा, ठीक है। अगर हम 8 में अगर 2 से डिवाइड करें प्लस 1 कर दें तो 4 प्लस 1 क्या आएगा, 5 इसका आंसर होगा, क्या होगा 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया है इसमें, देखो एक बार मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या किया है आपने, इसको डिवाइड किया है
प्लस कर दिया है आपने 4, फिर इसको 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, प्लस कर दिया है 3, सेम प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से आपने लॉजिक लगाया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 18, 29, 42, 59, 78, 101। तो देखो 18, 29, 42, 59, 78, 101 क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें डिफरेंस है या किस चीज़ से लॉजिक लग रहा है इसमें, एक बार चेक करिए आप। 10 सेकेंड है आपके पास। 18, 29, 42, 59, 78 और क्वेश्चन 101 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें क्या लॉजिक लग सकता है हमारा। देखो अगर इसमें डिफरेंस से देखें, क्योंकि पास में सारी संख्याएं हैं, तो 11 का है यहाँ पर कितने का होगा, 3, और 223 का या 13 का, कितने का होगा 13, ठीक है, कितने का होगा 13 का, प्लस 13 प्लस 11 यहाँ पर कितने का है 7, और 117 यहाँ पर कितने का है 9, 19। तो एक चीज़ दिख रही होगी आपको, यहाँ कितने का है, यहाँ पर है आपका 23 का, क्यों 23 का, ठीक है। तो देखो ये प्राइम नंबर, 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 तो अगला भी प्राइम नंबर होगा, अगला प्राइम नंबर होता है 29। तो 101 में 29 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130। इसका आंसर क्या होगा 130। तो आज हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपना लाइक